मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे विज्ञान की तैयारी कर सकते हैं। चलिए मित्रों, हम आपके समय को न नष्ट करते हुए बहुकल्पी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मित्रों क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। तो यहाँ पे मित्रों आप देख पा रहे हैं पौधों को कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग बहुत अनुकूल है। चार ऑप्शन है, तना है, पत्ती है, जड़ है, प्रकीलित है। तो मित्रों इसमें से जो बहुत अनुकूल है वो तना है, राइट। तनों के द्वारा मित्रों आप देखते हैं पूरा भोजन ग्रहण कर लेते हैं पेड़ पौधे पत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों, पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों पराग नली में नर युग्मक की संख्या कुल कितनी होती है, आप देख पा रहे हैं चार ऑप्शन, पराग नली में नर युग्मक की संख्या मित्रों दो होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों क्या कहता है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है। तो मित्रों एम्पियर किसका मात्रक है सेकेंड में, तो आप देख पा रहे हैं चार ऑप्शन है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, धारा का। तो मित्रों एम्पियर जो सेकेंड है वो किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, राइट। तो मित्रों आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मित्रों, अभी हमने आपको अति लघु उत्तरी संबंधित प्रश्नों के बारे में बताया, हम लोग जान लघु उत्तरी और हम लोग जानेंगे अति लघु उत्तरी। ये देखिए मित्रों क्या कहता है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी का, विद्युत परिपथ के सामान्य तार पर फ्यूज तार में क्या अंतर है। तो विद्युत परिपथ में सामान्य तार और फ्यूज तार में देखते हैं मित्रों, फ्यूज तार का गलनांक विद्युत परिपथ के सामान्य तार से कम होता है, ताकि आसानी से मित्रों जब भी कभी ज़्यादा लाइट आए तो ये कट जाए या तार गल जाए, ठीक, और आपके अन्य बल्बों अन्य मतलब कि कहीं भी दुष्प्रभाव न हो। क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं। हाँ, क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में जल में होते हैं आप जानते हैं, परंतु क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन एक्वस आयनों की मात्रा अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन आयन एक्वस में आयनों की मात्रा से बहुत कम होती है, राइट, इसलिए ये क्षारकीय होते हैं, बात समझ में। परंतु क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा से होते हैं लेकिन कम। भाई आप यही पढ़े होंगे अम्ल में हाइड्रोजन आयन और क्षार में OH आयन, तो अब आप जान गए होंगे कि अम्ल में क्षार में दोनों उपस्थित होते हैं लेकिन अम्ल में इसकी मात्रा अधिक होती है, क्षार में इसकी मात्रा कम होती है, लेकिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, pH बराबर 4 का मान विलयन में हाइड्रोजन आयन के आयनों की सांद्रता बताइए, इस विलयन की प्रकृति क्या होगी। मित्रों अगर किसी विलयन का pH 4 है तो आप जानते हो 10^-4 तो विलयन अम्लीय होगा, राइट। और कभी कभी मित्रों इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे निम्नलिखित को पूर्ण संतुलित कीजिए, NaCl की एक क्रिया अमोनिया वाटर और CO2 से कराई जा रही है, सेकेंड रिएक्शन क्या है, बुझे हुए चूने क्रिया क्लोरीन से। तो ये आप जानते हो बुझा हुआ क्या बन जाता है, ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये देखिए आपका पूरा रिएक्शन है मित्रों, अभी हमने यही आपको दिखाया, सोडियम बाइकार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड बनता है, यहाँ पे हमने आपको बताया क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो इस प्रकार से मित्रों हम सीख पाएँ क्लास टेंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।